टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आपसे एक सही काम का सवाल ये करता हूँ कि वो ब्रेक डिसाइडेड हो जाए कि मैंने कितना ब्रेक लेना है? नहीं, कोई डिसाइडेड नहीं। वो पॉइंट कब आता है कि यार अच्छा अब करना है काम? नहीं, अच्छा नहीं, वो बिल्कुल नहीं डिसाइड होता। ठीक है, ये नहीं होता कि अच्छा ये प्रोजेक्ट कर लिया तो अब मैं ब्रेक लूंगा, ये ऐसा नहीं होता। बस अगर मेरा दिल ऑफ हुआ है ना इस वक्त तो मैं नहीं काम करूंगा। अच्छा, चाहे अकाउंट में आखिरी 1000 रुपया रह गया हो, ठीक है ना, मुझे ये नहीं होता कि भाई अच्छा पैसे खत्म हो गए अब काम कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं वो क्योंकि सोशल मीडिया ऐसे शोज़, ठीक है ना, कैश इनकी वजह से काफी इधर उधर की आमदनी हो जाती है। तो अच्छा ये बताएं कि ये तो चलो ठीक है, ये तो आमदनी हमें, ये तो हमने आपके किचन का पूछ लिया। हाँ, आप मुझे बताएं काम मिलने का या काम लेने का क्या प्रोसेस है? हाँ, क्या आप हर हफ्ते प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों को फॉरवर्ड मैसेज भेजते हैं ताकि नाम याद रहे या उनको लोगों ने ना अलग अलग टोटके बनाए हुए? आपका क्या तरीका? मेरा कोई खास तरीका नहीं, मैं घर में बैठता हूँ। हाँ, और मैं एक शदीद इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ। अच्छा, मेरे चंद दोस्त हैं और एक चीज है जो मैं अपने घर में करता हूँ, लेकिन ये कोरोना से पहले करता था, अब कोरोना के बाद वो भी खत्म कर दिया, कि मेरे घर पे गेम नाइट्स होती थी जिसके हम सीक्वेंस खेलते थे। सही है, ठीक है ना, तो उसमें काफी लोग मिलने आ जाते थे, काफी लोग मम्मी खेलते थे, तो वहां से सलाम दुआ होती थी तो लोगों को याद रहता था और लोग काम देते थे। चाहे ये एक तरीका हो सकता है। अच्छा तरीका है, गेम नाइट करना सारे अपने घरों में। मेरे ख्याल से ये काम लेने का तरीका नहीं है, वरना हर गली गली में गेम चल रहा है। हां, लूडो चल रही होती हर जगह, आप चाय वाला भी 3-4 टेबल लगे हुए देखिए। हां, वहां भी काम मिल रहा होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा गौर, आपकी बड़ी मजेदार ट्रांजिशन है थिएटर से, मुझे याद है जावलोक वाला वो कैरेक्टर, बिकॉज जब मैंने देखा मैंने कहा यार वंडरफुल, ये कौन एक्टर है, कहाँ से पता चला? माशाल्लाह आप बस हैं ये वो। एक तो ये ट्रांजिशन कैसी है, थिएटर टीवी फिल्म, और उसके बाद शहर की जो ट्रांजिशन है, क्योंकि आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, सॉरी लाहौर, माजरत के साथ लाहौर, शर्म आनी चाहिए यार। मैं वेट कर रहा था कि आदि कुछ कहेगा। हां, मैं वेट कर रहा था आदि तेरा कुछ कहेगा। आप इतना महंगा माइक डीएसएलआर कैमरे के मुंह पे बैठ के आपने कह दिया इस्लामाबाद से आए। मैं माजरत चाहता हूँ। उसकी वजह ये कि उस प्ले में 90% लोग इस्लामाबाद से, मेरी अजम्पशन थी कि ये इस्लामाबाद से होंगे। तो खैर, अच्छा लाहौर से तो मैं फिर पूछूं, लाहौर से हैं तो और कराची का ट्रांजिशन क्या, दोनों चीजों को बताएं मुझे। यार वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इधर यू नो, अगर ये सवाल आप किसी और एक्टर से पूछना तो वो कहता है कि जी थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम, और मैं यहां से जब टेलीविजन पे आया तो मुझे ये फील हुआ कैमरे की टेक्निकलिटीज ठीक है, सब बकवास है। अच्छा, स्ट्रेट अप सब बकवास है। हाँ, थोड़ी सी एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं क्योंकि थिएटर लाउड है, थिएटर में मिलेगा आपको थोड़ा सा जेस्चर्स वगैरह लाउड देने पड़ते हैं, वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपने सीखा है, जो आपके अंदर है, आपने वही परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर आपके अंदर एक्टिंग है या आप एक्टर हैं तो ही आप कर सकेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने 10 थिएटर किए हुए तो मैं बहुत महानाज एक्टर हूँ। हाँ, ठीक है, या फिर मैंने 500 प्लेस किए हुए तो मैं बड़ा अच्छा एक्टर हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि जी ओ इट अप्लाइज मेथड और मैं बड़ा सोचता हूँ, मैं 500 दिन एक कमरे में बंद रहता हूँ, ठीक है ना, सब बकवास है, कोई कुछ नहीं करता। सेट पे आपको लाइन मिलती है, ठीक है, ये सर ये सीन आओ दिखाओ, हाँ वही सीन 500 दफा कर चुका हूँ, हाँ चलिए करेंगे, खत्म बात। ठीक है, आप वो वाले नहीं है कि बचपन में जब मैं 3 साल का था शीशे के आगे खड़ो के 2-2 घंटे इस इंडस्ट्री में तो। और अच्छा दूसरी बात, खुदारा इस कम्युनिटी को इंडस्ट्री कहना बंद कर दे, ठीक है ना, कम्युनिटी को। हाँ, हम लोग एक छोटी सी कम्युनिटी है, ठीक है, एक्टर्स की, डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की कम्युनिटी है, इंडस्ट्री का स्टेटस कहीं से नहीं मिला हम लोगों को, क्योंकि नो डाउट हमारा GDP में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन माशाल्लाह से बजट के अंदर हमारा नामो निशान भी नहीं होता। सवाल ही बात ही कोई नहीं होती हमारी। एब्सोल्युटली कोई कॉलम ही नहीं हमारे, कोई कॉलम ही नहीं है हमारा, ठीक है ना। सो जो कम्युनिटी है, ठीक है, छोटी सी कम्युनिटी है, ठीक है, इसके अंदर आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि थोक के हिसाब से काम चली जा रहा है, ठीक है ना, फैक्ट्री चल रही है, तो इसके अंदर आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप एक कैरेक्टर को लें, तपस्या करें, 2 साल मेहनत करें, ठीक है, फिर वो कैरेक्टर परफॉर्म करें, ना इतने पैसे मिल रहे हैं और फिर भी उसकी गारंटी नहीं है कि वो कितना ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वो तो एक अलग ही बाइमी गेम है ना, ऐसे ही अगर अगर खुदा ना खास अगर आप फ्लॉप हो गए, एग्जैक्टली, या ये भी हो सकता है कि आप इतनी मेहनत करें और आखिर में वो बोल टीवी पे चल जाए।
अजीब सा लगेगा ना रोने वाले सीन एकदम से वायरल होने का काम मेरे भाई ने, वायरल होने का बेड़ा उठाया मेरे भाई ने, वो कर लेगा। मैंने इमेजिन करवाएगा, मैंने इमेजिन किया। तू यानी कि तू नहीं चाहता कि मैं बोल टीवी के शो पे जाऊं? हम हां वहां पे पैसे मिले। हम देखिए अगला शो होगा गौहर एंड फिजान, ठीक है भाई। ये सबसे पहले